जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आपका इन सभी बैंकों में खाता है तो आपको इस खबर के बारे में जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बता दें कि हमारे भारत के सरकार की तरफ से अभी की सबसे बहुत ही बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का किसी भी सरकारी छोटे या मोटे बैंक में खाता है तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना, क्योंकि आज की जो हमारी ये खबर निकल कर आ रही है, अगर आप इसे थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आगे चल करके आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आइए इस खबर को विस्तार से देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। चलिए सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे ही कोई लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें आपको कि कल से हमारे देश में 17 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। तो किस किस तारीख को हमारे ये सभी बैंक बंद रहेंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मैं नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है, ताकि मुझे भी यह जानकारी हो सके कि आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे किस किस तारीख को सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि हमारे टाइम्स ऑफ मीडिया के अनुसार हमारे भारत की सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। और दोस्तों इस हमारे मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐलान में हमारे भारत देश में कुल मिलाकर के 17 दिन तक सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में 9 अक्टूबर 2021 को सेकंड सैटरडे के उपलक्ष में हमारे देश में सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हमारे 10 तारीख को रविवार है, तो रविवार को आपके वैसे ही सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे 12 तारीख को दुर्गा पूजा महासप्तमी के उपलक्ष में हमारे देश के सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे। और इसके बाद फिर आपके 12, 13, 14 और 15 यानी कि लगातार आपके 3 से 4 दिन हमारे दुर्गा पूजा यानी कि मेला वाला जो आपके दशहरा का त्योहार होता है, इस कारण से हमारे लगातार 4 दिन तक आपके सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हमारे 16 अक्टूबर को भी हमारे गंगटोक राज्य में हमारे सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारे 17 अक्टूबर को रविवार है, तो रविवार को आपके वैसे ही सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहते हैं। और फिर जाकर के हमारे 18 अक्टूबर को काटी बिहू के कारण हमारे देश में सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे, जो आपके गुवाहाटी में यह त्योहार मनाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों फिर हमारे 19 अक्टूबर को सभी देश के सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन हमारे सभी मुसलमान भाई का त्योहार है, इसीलिए आपके 19 अक्टूबर को भी सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारे 20 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे, इसके बाद 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे, और इसके बाद हमारे 24 अक्टूबर को रविवार के कारण बंद रहेगा, और इसके बाद एक हमारा लास्ट है 31 अक्टूबर को रविवार है, तो रविवार को आपके वैसे ही सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे भारत देश में अक्टूबर के महीने में इस बार हमारे 17 दिन तक सभी सरकारी बड़े बैंक बंद रहेंगे। तो अगर आपका इस दौरान कोई भी सरकारी बड़े बैंकों में काम है तो अपना काम आज ही आप 1-2 दिन के अंदर में निपटा लीजिए, वरना आगे चल करके आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस आज आपको इसी के बारे में एक छोटा सा लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन अपडेट की जानकारी देनी थी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।